हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। पीएस नेपसराय में कॉल आई, इसमें बताया गया कि मेरे भाई से कोई मिलने आया था, उसने वो गोली मार ली है। इसमें जब पुलिस मौके पे आती है तो मालूम चलता है कि भरत सचदेवा नाम का एक आदमी है जिसने अपने आप को शूट कर लिया है। इनकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। ये मैरिड है, ये भी जवाहर पार्क में रहते हैं। ये पेशे से कुछ ऑटो चलाते थे कुछ 2-3 महीने पहले, उनकी नौकरी छूट गई थी, अभी बाकी चीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं। सर कितने गोली मारे हैं अपने आप? ये अभी तक तो लग रहा है कि एक एंट्री एग्जिट वुंड है, एक चीज़ एक बुलेट वुंड है। परिवार का कहना है कि नहीं इसको मारा गया है? अभी वो सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें जो बनता। क्या नाम है सर, क्या उम्र है, कितने बजे कॉल थी? भरत सचदेवा नाम है इनका, इनकी उम्र लगभग 36-37 साल के आसपास है, और 9:45 की कॉल थी कि जी मेरे भाई के से दोस्त मिलने आया, उन्होंने अपने आप गोली मार ली है। बाकी सब तफ्तीश में निकल गया। फॉरेंसिक की टीम, क्राइम टीम आ पहुंची? आ रही फॉरेंसिक टीम हमारी, दिल्ली पुलिस वाली तो आ चुकी है, अभी और भी कर रहे हैं तफ्तीश करेंगे। कितनी टीम लगाए सर? अभी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे देखते हैं कैसे कैसे कितनी टीम बढ़ानी है, कैसे करेंगे देखेंगे। सुनील जी क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। क्या हुआ है आपके भाई के साथ और कितने बजे की कॉल है यहाँ घटना पे आके आप लोग? ये मुझे नहीं पता, मैं फोन आया था, मैं घर में सो रहा था, जैसे फोन आया वैसे ही भग के आया यहाँ पर। ये बोला बेहोश पड़ा हुआ लड़का तुम्हारा, आगे ले जाओ। हम देखा तो बेहोश तो था ही नहीं, पूरा खून ही खून लथपथ पड़ा हुआ था वो नीचे जमीन पे, और गोली बंदूक पड़ी है इसकी पलंग पे ऊपर, जिसकी बंदूक गई है। अब हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर, और सारी औरतें बोल रही है गोली अपने अपना खुद मारी है, खुद तो मार नहीं सकता ये गोली, इन्होंने खुद मारी है गोली उन्होंने। अच्छा पिस्टल किसका था? पिस्टल हमें क्या पता किसका है किसका नहीं। अच्छा पिस्टल तो पलंग पड़ी हुई है इसकी। अच्छा जिसकी भी यहाँ ये दीपक की होगी, दीपक और किसकी होगी कदम नहीं है। दो नंबर काम ये करे, सारा काम ये करे, और मेरे भाई को फंसाने चक्कर लगा दी है, एक काम कर। तो आपसे रंजीश भी था? नहीं आपसे कोई रंजीश नहीं, आप 8 साल के दोस्त हैं दोनों, ये आना जाने के घर में लगा रहता था, इससे घर पर बार डेली आता था, अभी एक महीने से नहीं आ रहा तो बोल रहा घर पे क्यों नहीं आ रहा। अच्छा कल भी पूरे दिन घर पर आई है, आज पूरे दिन घर पे था, शाम रात को निकल के आया 9:30 बजे इसके पास। मैं भारत की वाइफ हूँ। क्या हुआ है बताइए? अंदर मेरे पास फोन आया, ये अपने बच्चों के पास 2 मिनट पहले आए थे 9:30 बजे घर पे, मैं सब्जी लेने गई थी, तो मैं घर पे आई हूँ, बच्चों ने कहा कि पापा आए थे मम्मी और हमसे कह के गए अभी आ रहे हैं। मैं खाना वाना खाने घर में बच्चों को खाना खिलाने लगी, उसकी थोड़ी देर बाद ही 10:30 बजे 10 ऐसे 11 बजे करीब मेरे पास 10:30 बजे करीब फोन आया कि यहाँ पे भारत बेहोश पड़ा है, तुम जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा मैंने तो घर भी नहीं देखा कहाँ पे, फिर ज्वार पार्क में, तो मैंने कहा कौन बोल रहे हो, फिर मैं उसकी उसकी दीपक की बहन बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा क्या हुआ था? कह रही मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम जल्दी आ जाओ। बस मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं आ रही हूँ भारत के साथ में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं देख के आ रही हूँ, बेहोश पड़ा है। बस मैं अब फिर इनके अपने भाई साहब के साथ में मैं आ गई, यहाँ पे आके यहाँ पे देखा है तो ये सारी फैमिली बाहर थी, कोई घर के अंदर में आदमी नहीं था, लेडी से घर में थी, उसकी माँ बहन उसकी भांजी उसकी भाई की बीवी छोटी वाली ये सब घर में ही थे। वो लोग कुछ नहीं बताए, कह रहे हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा बाद में पता चला कि दीपक की बहन ही मेरे पति को लेके आई थी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल क्या हुआ था, आपके भाई क्या करते हैं, क्या नाम है और क्या आपको पता चला? मेरे भाई का नाम भारत है, मेरा भाई गाड़ी चलाता था, और क्या नाम कहते हैं, मेरे को 11:30 बजे पता चला कि मेरा भाई ख़त्म हो चुका है, वो भी अपने दोस्त के साथ, दोस्त ने ही गद्दारी करी उसके साथ ही। और मैं आई तो यहाँ पे सब पुलिस वगैरह सब इकट्ठी हुई पड़ी थी, और ये 10:30 बजे के बीच में हुआ है, 9:30 बजे मेरा भाई आया था और मुझे 11:30 बजे ही पता चला है, और अभी बॉडी गई है, टाइम देखो आप 2:45 हो रहे हैं इस टाइम। और क्या लग रहा है मुझे, अभी मैंने उसकी बॉडी देखी तो लगा यही कि कान में से गोली किसी ने मारी, आंख भी उसकी ख़राब हुई पड़ी है, पूरा खून हुआ पड़ा है, पर मेरा भाई ऐसा नहीं था जैसा इन लोगों ने करा है।